गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं उड़ा रहा हूँ पतंग और मेरे साथ बहुत सारे बच्चे हैं जो पतंग उड़ा रहे हैं। और कैसे कैसे मछली लगाया इसमें रे? आप उल्टा ही पकड़े हो। पकड़ो ना, उड़ाओ इसको, लगाओ। रुको रुको, देखते हैं दोस्तों ये पतंग उड़ पाता है कि नहीं उड़ पाता है। लगता है काफी कोशिश के बाद मामा जी अपने स्किल दिखाते हुए, बिल्कुल मामा जी अपना स्किल दिखा रहे हैं। इनको लग रहा है कि आज हवा ने इनसे दुश्मनी कर ली है। उड़ गया अब तो, उड़ गया, मुझे भी लग रहा है। ये देखिए पतंग को, बस हम थोड़ा समझ गया है। ये हमने पतंग को आसमान में छोड़ दिया। वैसे ना हॉरिजन तो रहेगा वो, ये काट दिया, बताओ ये फंसा ही चट्टा क्या क्या रे, विकास में फंसा दिया, बताओ कभी होगा ही? गया एक ठुकड़ी, लो लो ये लसक गया। पतंग लसक गया, लगता है हमारा बहुत ही जल्दी ये ब्लॉग खत्म हो गया। कोई नहीं गाइस, यहाँ पतंग की कमी नहीं। हम लोग चलते हैं यहाँ से घूमने सहरसा, उसके बाद चलेंगे महसी, उसके बाद महापुरा, उसके बाद फिर यहाँ। ठीक है, आज काफी लंबा जर्नी है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए मेरा ब्लॉग, ये पूरा बड़ा ब्लॉग। फाइनली हम लोग अभी सहरसा में हैं और आज मनमीत का क्या है, एनुअल डे। और उसके लिए क्या है फिर से दोबारा रिपीट करिए, एनुअल डे। ये एनुअल डे क्या होता है? और ये मतलब एक तरह से हर साल एक बार स्कूल मनाती है जिसमें कि बच्चे अपना अवार्ड्स दिए जाते हैं, जिस बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया होता है, ये सब चीज़ें होती हैं एक तरह से। पढ़ाई में जिसने एक्सेल किया, जिसने स्पोर्ट्स में किया है, उन सबको अवार्ड दिया जाता है। और मुझे मामा की बोलने पे, कौन सा चौक था ये? शंकर चौक से जाके मुझे फाइनली ये मिला जो कि आवाज़ करता है, शायद उसे पसंद आए। वाह, तो बहुत अच्छा आपने पसंद किया, कलर भी जबरदस्त है इनका। थोड़ा सा इसको जो है इधर उधर करके दिखाइए कैमरा में, और ये थोड़ा स्कोप लगा लेते हैं ताकि निशाना सही लगे। हाँ, ये जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, ये कितने के आया है? ये आया 300 का। 300 का है ये, किसके लिए है? ये मनमीत के लिए है, स्पेशल मनमीत के लिए, क्योंकि उसने फोन करके बोला इसलिए। देखते हैं, बहुत खुशी की बात है। और मनमीत के लिए जो है 300 रुपया गन लिया गया है। तो हम लोग चलते हैं उसके एनुअल डे में। एनुअल डे है ना जी? क्या सर? जी, ये हम लोग आ चुके हैं दिव्य ज्योति स्कूल एनुअल डे सेलिब्रेशन। ये रहा मनमीत और हम लोग यहाँ हैं। क्या सर? जी, अच्छी सजावट है। साल में एक बार एनुअल डे मनाया जाता है, बच्चों को परफॉर्मेंस के आधार पर जो है उनको पारितोषिक दिया जाता है। क्या जी? जिनको हम लोग इनाम बोलते हैं ना। और ये किशोर कुमार मुन्ना जी हैं जो विधायक रह चुके हैं, ये चीफ गेस्ट के रूप में हैं। चीफ गेस्ट यही हैं, किशोर कुमार मुन्ना जी हैं चीफ गेस्ट। बहुत अच्छा लगा, कैसा फील हो रहा है? भैया तुमने ले लिए हैं? हाँ। अच्छा, यूज कर लीजिए। आप भी तो बाथरूम में ही थे ना? अच्छा, हम लगा के थे। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने, क्या? और किशोर कुमार मुन्ना जी जो चीफ गेस्ट, वो भी आ चुके हैं। और यहाँ हाँ, मतलब पहली बार हम अपने डिस्ट्रिक्ट के एनुअल फंक्शन में आए हैं। यहाँ पे भी धीरे धीरे लोग फॉलो कर रहे हैं और एजुकेशन सिस्टम है, ये सब चीज़ें अच्छा है, पर एजुकेशन और बेहतर होना चाहिए। इस चीज़ों को फॉलो कर लो और शिक्षा का स्तर ऊपर लो। क्या चलेगा जैकोस? हमारा तो बिल्कुल ही, आपको पता है। आइए इधर आइए, यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था है, नाश्ता का, कॉफ़ी का, चाय का और चटपटा चीज़ों का। क्या? और यहाँ पर जो है आपको गुपचुप का भी अरेंजमेंट है। गुपचुप पे तो बहुत भीड़ चल रहा है।
ये बोनस में चल रहा है अभी। हम लोग गुपचुप खा रहे हैं एनुअल डे में, पूरा खाएंगे मन से। ये देखिए खुशवंत ने एक अरेंज कर दिया है, एक फास्ट फूड का व्यवस्था है। हाँ ये देख, मामा जी के कहने, हाँ एक बार और रिपीट करिएगा। इतनी मेहनत मैंने पहले बार की है, वो भी सिर्फ मामा जी के कहने पे। देखते हैं कैसा स्पेशल हम तो इसके लिए। इसको बहुत बहुत थैंक यू। एक बार देखिए इसको कैसा लगता है। बहुत अच्छा है, लीजिए खाइए ना। वहाँ पे ऐसा है लाइन तो है नहीं, हमें वो सर बोले कि लाइन में लगो, हमने बोला सर एक बार हमें लाइन दिखाइए तो। तो वहाँ पे लाइन लगना पड़ेगा तभी हो पाएगा। दो लेयर बड़ा हुआ। एनुअल डे का नाश्ता पानी का अरेंजमेंट कैसा है? मस्त है। हमने बहुत मेहनत मशक्कत के बाद जो एक प्लेट लिया है, और यहाँ पर जो दिव्य ज्योति के जो भी फाउंडर वगैरह हैं या उनका जो भी स्टाफ लोग है वो बंद कर दिया कि अब नहीं करना है, तंग हो गए हैं, सब खत्म हो चुका है, बस 50 प्लेट बचा हुआ है। बोले नहीं एक प्लेट हमको चाहिए। बिना एक प्लेट लिए मटने वाले नहीं। आ चुके हैं मेन हॉल में जहाँ पे एनुअल डे का एनुअल फंक्शन होना है। तो देख सकते हैं यहाँ का सेटअप कैसा है। ये देख बड़ा पड़ा है। चलिए अगला परफॉर्मेंस हम लोग एंजॉय करने वाले हैं, लिंडन स्टार बाय किड्स ऑफ नर्सरी के। ये है मनमित के स्कूल का एनुअल डे। इनके वास्तव में यहाँ देखिए दीदी लोग यहाँ बैठी हुई है। ये यहाँ की दीदी है और यहाँ पे ठीक है बैठते हैं हम लोग भी। जो हम लोग प्रोग्राम देखने वाले हैं वो प्रोग्राम क्लास 5, 6 और 7 क्या फिफ्थ सेवन ये जो बच्चे होंगे फिफ्थ सिक्स सेवन में उन दोनों का होगा प्रोग्राम। उसमें अभिराम का भी है, देखते हैं अभिराम का प्रोग्राम कंफर्म है। हाँ बोलिए डांस प्रोग्राम है क्या, देखते हैं कैसा रहता है। आर्मी है वो थोड़ी देर के लिए लाइट बंद हो चुका था, तभी लाइट आया हुआ है और परफॉर्मेंस भी होना है। देखते हैं परफॉर्मेंस कैसा हो पाता है। और ये देखिए पर्दा लगा हुआ, अंदर तैयारी चल रही है, जस्ट पर्दा खुलने ही वाली है। और यहाँ पर नीचे में जो है सारा इंस्ट्रूमेंट वगैरह साउंड वगैरह का जो है लाइन सॉन्ग्स बजना ये सब, फिर कैमरा में रिकॉर्डिंग फ़ोटो खींचना। दोस्तों अभी जो कैरेक्टर ये जो बात कर रहा है ये अभिराम है। हमारे बारे में भी कुछ लिखा भी है या नहीं पढ़ता हूँ। तेरी जुड़ी बर्दाश्त नहीं होती तो कब आएगा, तेरे लिए बेसन के लड्डू भी देना, अकेले मत खाना उनको भी देना। और बस यार आगे नहीं बढ़ तुम लोग मिठाई खाऊंगा। क्या लगा सारे लड्डू खत्म हो गए, तुम्हें खाए लड्डू चक्के खाएगा। लेकिन अभी उधर से
हमारे बच्चों की ये दोस्ती इन सरहदों से परे हैं, ये काबिलियत तारीफ है, उनका भी यही मानना था। वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के और बेशुमार जिंदगी। तो क्यों अंतर है नामों में, हम क्यों बटे हैं मुल्कों में, जय देश कहे या जय जगत। जय जगत, जय जगत, जय जगत। बहुत ही खुशी है सर दोस्तों, अब आ चुका है एंजल की बारी, यानी कि परियों की बारी। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा बल्ब जल रहा है सबके माथे पर। बज रहे हैं 3:33 और हम लोग एनुअल डे के फंक्शन से बाहर आ चुके हैं, क्योंकि फंक्शन लगातार शाम से रात तक चलेगा और अंदर में भी खाने पीने की व्यवस्था है, लेकिन बहुत भीड़ है वहाँ पर। इतनी खतरनाक व्यवस्था है, हाँ आया नहीं, मतलब बाहर बहुत खतरनाक व्यवस्था है। हम लोग बाहर ले जाएंगे, वहाँ जाएंगे बाहर। हम लोग गुपचुप का दुकान ढूंढ रहे हैं, गुपचुप जिसको हम गोलगप्पा बोलते हैं। अभी हम लोग हैं संहार नाले के पास, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठते हैं, कोर्ट कचहरी है, जहाँ केस लड़ा जाता है, हम लोग वहाँ हैं और यहाँ पर ढूंढेंगे गुपचुप का दुकान। तो कमेंट में बताइएगा आपको दिव्य ज्योति स्कूल का जो एनुअल डे था क्या कैसा लगा, कमेंट में बताइएगा आपको। चलिए यादें ताज़ा होगी, कमेंट में बताइए, कमेंट में। हम लोग के समय में घोड़ा पे बैठ के हम लोग एनुअल डे मनाया कर रहे हैं। एनुअल डे क्या होता है तो हमको आज पता चला, आज पता चला क्या होता है। सही है, हम आइए कहीं एनुअल डे कौन सी है। ये देखिए दोस्तों, आ गए हम समार नाले के पास भाई, साथ में अभिराम और साथ में खुशवंत। आप जो बोलेंगे वही हम करेंगे। चलिए ना, आज रात है, जाइए जरा। पैरों का सोच रहे थे, सुबह चले जाइए, आज तो वो कैंसल हो गया, कल जाइए। तो आप जैसा बोलिएगा, आप आदेश दे दीजिए मामा जी। देखिए